Assalamu alaikum. I hope you're enjoying good health. If you are new in our channel, then subscribe us and like our videos. Oh, however, are you going to make this video with much effort? Please follow the full video. Thank you, my dear friends. Follow me on Instagram and subscribe my channel. Try to do this recipe. This is so amazing. And I love fries. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली फ्राइज। फॉलो माय वीडियो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने पोटैटो लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने अच्छे तरीके से पील किया और अब मैं इसको इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए इसी तरीके से आप अगर चाहे तो सिंपल ही, लेकिन मैं इस तरीके से इस तरह की कार्ड कटिंग कर रही हूँ। ये साइड से इसे कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सारी साइड से आपकी इस तरीके से। ये बहुत अच्छे तरीके से बन गई हमारी। इसी तरीके से मैं इसी तरीके से अब सारी कटिंग करती जाती हूँ और इनको आप साफ पानी में इसी तरह डालते जाएं तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेगी। अब देखिए हम अब लेंगे इसको बेसन लेंगे। तकरीबन मैंने हाफ का बेसन लिया है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली। रेड चिली आप अपने मुताबिक ले सकते हैं क्योंकि किसी रेड चिली कोई तेज़ होती है कोई कम होती है, ये तेज़ ही इसलिए मैंने हाफ टी स्पून लिया है। कोरिएंडर, क्यूमन यानी सूखा धनिया और ज़ीरा ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। ग्रीन चिली है ये मैंने 2 ली हैं और इसको हल्का ब्रीक बिल्कुल स्मॉल साइज़ में आपने इसको चॉप करना है। फ्रेश कोरिएंडर लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ये लिया है। ये सारी चीज़ें अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी।
हाँ बहुत ज़्यादा इसको अपने पतला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा ठीक हो, नॉर्मल होना चाहिए। अच्छे तरीके से अभी कोई लम्स ना इसके अंदर है, ये भी ठीक है। क्योंकि हमने पकौड़े तो निकाले नहीं है, लेकिन हल्का हल्का इसके ऊपर इसकी कोटिंग होनी चाहिए। ये हमारा परफेक्ट तैयार हो गया। जब हम फ्राई करते हैं इसको, ऑयल आपने बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना है, आपने मीडियम साइज़ में इसको, मीडियम फ्लेम में आपने इसको रखना है। बहुत ज़्यादा होगा तो जो फ्राइज है ऊपर से वो जल जाएंगी और अंदर से वो कच्ची रहेंगी। देखिए पहले मैंने डाल के दो चेक किए, ये अब हमारा ना ऑयल ज़रा बिल्कुल सही हो गया। मैं डालती हूँ इसके अंदर, आपका मिक्सचर इस तरीके से होना चाहिए कि इतनी ही बस आपकी कोटिंग हो, बिल्कुल आपने थिक नहीं करना कि पकौड़ों की तरह आप ऊपर से वो फ्राइज आपकी नज़र ही नहीं आएगी।